सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड ऑफ वेपर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, जो कि भाई 100% कंफर्म हो चुका है। तो भाई मैं आप लोगों को गोल्ड रॉयल का बंडल भी दिखा दूंगा, साथ ही हम लोग बात करेंगे OP31 अपडेट से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें भाई आप लोगों के काफी सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया। यानी कि भाई आप लोगों को क्रोनो कैरेक्टर और की करेक्टर की एबिलिटी में काफी बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आज मैं आप लोगों को न्यू एटीपैट की एबिलिटी भी टेस्ट करके बताने वाला हूं। तो भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी चीजें मिस करने वाले हो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक तरह की छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रिपेयर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करेंगे सबसे पहले अपडेट की, जो कि आप लोगों के कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हो कि भाई अभी तो आप लोगों को लेवल 6 पर हमारे के कैरेक्टर से 2 सेकंड में 2 ईपी मिलती है, और साथ ही भाई मैक्सिमम आप लोग 150 ईपी तक ले सकते हो। लेकिन भाई अपडेट के बाद की एबिलिटी की बात करें तो भाई जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हो 1 सेकंड में आप लोगों को 2 ईपी मिलने वाले, साथ ही भाई आप लोग मैक्सिमम 250 ईपी तक ले सकते हो। यानी कि भाई एक तरीके से आप लोगों की ड्यूरेशन को कम कर दिया गया है और भाई आप लोगों की ईपी को ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि भाई 150 ईपी से 250 ईपी कर दी गई है। साथ ही में भाई आप लोगों को 2 सेकंड से ड्यूरेशन घटाकर 1 सेकंड कर दिया गया है, क्योंकि भाई यहां पे हमारे के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि भाई बहुत ही कम बंदे इस कैरेक्टर का यूज करने लग गए हैं। तो भाई ग्रैंड वाले कभी भी नहीं चाहते कि भाई उनका कोई भी कैरेक्टर कम काम में लिया जाए, इसलिए भाई वो सभी कैरेक्टर्स में चेंजेस करते रहते हैं। इसके बाद का हम लोग बात करें आप लोगों के मैक्सिमम कैरेक्टर के बारे में, तो भाई आप लोगों के मैक्सिमम कैरेक्टर को भी यहां पे इंक्रीज किया गया है। जैसे आप लोग यहां पे देख ही सकते हो कि भाई अगर आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर को लेकर खेलते हो और फिर आप मेडिकेट या मशरूम खाते हो तो भाई आप लोग 15% स्पीड से आप लोग मेडिकेट या मशरूम का यूज कर पाते थे, लेकिन भाई अपडेट आने के बाद इसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। यानी कि भाई अपडेट आने के बाद अगर आप लोग मेडिकेट या मशरूम वगैरह कुछ भी खाते हो तो भाई आप लोग 30% फास्ट अपने मेडिकेट को यूज कर पाओगे और भाई मशरूम भी खा पाओगे। तो भाई आप लोगों के मैक्सिम कैरेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा अपडेट किया गया है, भाई मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के न्यू कैरेक्टर आइस आयरन की एबिलिटी के बारे में, तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि भाई अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेवल 6 का कर लेते हो तो भाई आप लोगों को ये कैरेक्टर 30% तक अपने ग्लोवल को रिकवर कर देगा। साथ ही भाई इस कैरेक्टर का एक और यूज होने वाला है कि भाई अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर खेलते हो भाई ARMO वाली गन, यानी कि भाई स्कार हो गई, एक हो गई, किसी भी गन से अगर आप लोग एनिमी के ग्लोवल को मारते हो, मतलब कि भाई आप लोग उस गन से तोड़ने की कोशिश करते हो, तो भाई आप लोगों का 25% डैमेज इंक्रीज हो जाता है, जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया एबिलिटी दी गई है। मतलब कि भाई ये ग्लोवल तो जल्दी से तोड़ने का काम करेगा ही, साथ ही भाई आप लोगों के ग्लोवल को रिकवर करने का भी काम करेगा। तो भाई आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में होने वाली है। तो भाई आप लोगों के क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी में काफी बड़ा चेंज किया गया, यानी कि भाई आप लोगों के क्रोनो कैरेक्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो अभी आप लोगों को क्रोनो की शील्ड ओनली 600 HP की मिलती है, लेकिन भाई अपडेट आने के बाद इसको इंक्रीज करके 800 HP कर दिया गया है। तो भाई जब भी कोई भी क्रोनो कैरेक्टर यूज करेगा तो भाई उसकी शील्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों को कम से कम 800 HP का डैमेज देना होगा, तभी भाई आप लोग उसकी शील्ड तोड़ पाओगे। यही नहीं भाई आप लोगों को यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भाई अभी आप लोगों को मूवमेंट स्पीड 10% देखने को मिलती है हमारे क्रोनो कैरेक्टर के अंदर, लेकिन भाई अपडेट आने के बाद इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो भाई अभी आप लोग क्रोनो कैरेक्टर यूज करके बिल्कुल भी फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे, जैसा कि भाई आप लोगों को पहले देखने को मिलता ही था। और भाई ये चीज मेरे को ग्रैंड वालों की काफी ज्यादा बुरी लगी, क्योंकि भाई OP30 के अपडेट में इसकी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी कम की गई थी, लेकिन भाई यहाँ पे इस बार के अपडेट में बिल्कुल खत्म कर दी गई है। इसके अलावा आज आप लोगों के क्रोनो कैरेक्टर के कूलडाउन टाइम को 220 सेकंड से घटाकर 120 सेकंड ही कर दिया गया, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट किया गया है। लेकिन भाई जब तक हमारे क्रोनो कैरेक्टर में मूवमेंट स्पीड नहीं होगी उतना ज्यादा यूज क्रोनो कैरेक्टर का नहीं होने वाला, तो यार मेरे को इतना ज्यादा अच्छा अपडेट नहीं लगा। इसके बाद का जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट, इसके बाद का जब हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के डिवाई कैरेक्टर के बारे में निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के डिवाई कैरेक्टर की स्किल को भी चेंज किया गया है, यानी कि भाई अपडेट के बाद इस कैरेक्टर की एक्यूरेसी को 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। तो भाई इसे भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है, पर जहां तक मुझे पता है इस कैरेक्टर का यूज बहुत ही कम बंदे करते होंगे। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के थिवा कैरेक्टर के बारे में होने वाली है। तो भाई मैं आप लोगों के थिवा कैरेक्टर के लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर अपने टीममेट्स को रिवाइव करते हो तो भाई 14% जल्दी आप लोग रिवाइव कर लेते हो, लेकिन भाई अपडेट आने के बाद इसे भी घटाकर 10% कर दिया गया है। साथ ही भाई जहाँ पे आप लोगों के टीममेट्स को 5 सेकंड में 30 HP मिल जाती थी उसे भी घटाकर 5 सेकंड में 15 HP कर दिया गया है। तो भाई
अभी आप लोगों के थीवा कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करने की कोशिश की गई है। इसके बाद गाइस हम लोग बात करें आप लोगों के वुल्फर कैरेक्टर के बारे में, तो भाई वुल्फर कैरेक्टर में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी कि भाई अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर अभी खेलते हो और भाई लेवल 1 का करके रखते हो, तो अगर आपको कोई भी हेडशॉट देता है तो भाई उसका 4.5% डिक्रीज होकर आप लोगों को लगता है। लेकिन भाई अपडेट आने के बाद इसे भी घटाकर 3% कर दिया गया है। यानी कि भाई आप लोगों को 3% कम डैमेज पड़ने वाला है। साथ ही भाई जहां पे एनिमी को 4.5% डैमेज ज्यादा लगता था, वहां पे अभी आप लोगों के एनिमी को 3% डैमेज ज्यादा लगने वाला है। तो भाई आप लोगों के वुल्फर कैरेक्टर में भी थोड़ी थोड़ी चीजें घटा दी गई है। और भाई जैसे जैसे आप लोग इसका लेवल अप करोगे तो भाई आप लोगों के ये और भी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा भाई आप लोगों को अपने क्लू कैरेक्टर की एबिलिटी में भी चेंज देखने को मिलने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि भाई अभी तो आप लोग इस कैरेक्टर का यूज करके 70 मीटर के एरिया में अपने एनिमी का पता लगा सकते हो, लेकिन भाई बाद में इसे 50 मीटर ही कर दिया जाएगा। साथ ही भाई इसके कूल डाउन टाइम को भी बढ़ाकर 63 सेकंड से 75 सेकंड कर दिया गया है। तो भाई OB31 अपडेट आने के बाद आप लोगों को ये सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी में चेंज देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो भाई अभी हम लोग बात करेंगे आप लोगों के न्यू पेट की एबिलिटी के बारे में। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। लेकिन भाई ये बात बिल्कुल भी भूलने की नहीं होती है, तो यार आप लोग इतना सा सपोर्ट तो दिखा सकते हो। साथ ही भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो भाई अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों के न्यू पेट की एबिलिटी के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि भाई अगर हम लोग इस पेट को लेकर खेलते हैं, मतलब कि भाई हम लोग इस पेट की स्किल का यूज करके खेलते हैं, तो भाई अगर हमें कोई ग्रेनाइट से मारने की कोशिश करता है तो यार हम लोग ग्रेनाइट से पूरी तरह मार नहीं पाते, मतलब यार कुछ ना कुछ ऐसी हमारी बच जाती है। लेकिन भाई अगर हम लोग विदाउट पेट खेलते हैं और भाई कोई भी एनिमी हमें ग्रेनाइट से मारने की कोशिश करता है तो भाई हम पूरी तरीके से मर जाते हैं। तो यार काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी दी गई है, मतलब कि भाई इस पेट को लेकर खेलने से अभी ग्रेनाइट से भी हम लोगों को मरने का डर नहीं रहेगा। और यार कहीं ना कहीं चांस भी बना रहता है कि भाई हम लोग ग्रेनाइट डालने के बाद भी जिंदा बच जाएंगे, जिससे कि भाई हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और सामने वाले एनिमी को भी आसानी से मार पाएंगे। तो भाई काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी मेरे को लगी है। सो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, जो कि भाई 100% कंफर्म हो चुका है। जो कि यार मैंने आप लोगों को काफी टाइम पहले ही बता दिया था कि भाई जैसे हमारा गोल्ड रॉयल कंफर्म होकर आता है तो मैं आप लोगों को जरूर से दिखा दूंगा। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को गोल्ड रॉयल में कुछ इस तरीके का फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई अभी इसका वीडियो निकल कर नहीं आया, लेकिन यार पोस्टर पूरा निकल कर आ चुका है कि भाई आप लोगों को यही बंडल गोल्ड रॉयल में दिया जाएगा, जो कि भाई 100% कंफर्म भी हमारे डाटा माइनर्स ने कर दिया है। और भाई आप लोगों को तो पता ही है, जो भी मैं अपडेट आप लोगों को 100% कंफर्म कर देता हूं, आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो यार आप लोगों को ये गोल्ड रॉयल में बंडल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप लोगों के लिए सारी न्यू अपडेट निकल कर आ रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। तो होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और भाई पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करके जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि अगर मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई भी न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है और आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।